नेक्स्ट सेवन मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे एक ऐसे नेता के घर जिनको शायद नेता कहना भी आज रेलेवेंट है या नहीं पता नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट तो है आज की पॉलिटिक्स में एक अकेला आदमी जिसने पूरी स्टेट पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल दिया है। और आज ही खबर आई है कि वो नेता जो 2002 जब पहला इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ तब से आज तक जो आदमी लाल बत्ती लिए ही घूम रहा है, उसी आदमी के अराउंड पूरा इलेक्शन का नैरेटिव आज फिक्स हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत की, जो 2002 की पहली कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर बने, 2007 में जब कांग्रेस हार गई तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो लगभग कैबिनेट का स्टेटस उनके पास तब भी रहा, फिर 2012 में दोबारा कांग्रेस आई तो वो दोबारा मिनिस्टर बने, 2017 में कांग्रेस हार गई लेकिन वो फिर भी मिनिस्टर बने क्योंकि वो तब तक बीजेपी में जा चुके थे, और अब 2022 का चुनाव है। इस बार बहुत दिनों से डगमग हो रहा था कि हरक सिंह किस करवट बैठेंगे, लेकिन वो करवट बैठते उससे पहले ही बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया है। और आज ही उनका एक रोते हुए वीडियो आया है जो कि लगभग हर चुनाव से पहले आता है। हरक सिंह रावत को ये भी कहा जाता है कि वो उत्तराखंड के रामविलास पासवान हैं, यानी वो जहाँ होते हैं सत्ता वहाँ होती है, या सत्ता जहाँ होती है वो वहाँ होते हैं। अब इस बार देखते हैं कि कांग्रेस उनको लेती है या नहीं लेती है, और अगर लेती है तो क्या कांग्रेस वापस आती है, और उनके साथ जो ये मिथक जुड़ा है कि वो हमेशा सत्ता में रहते हैं, अब लेट्स सी कि वो सत्ता में रहेंगे या नहीं। बहरहाल हम जिनसे मिलने जा रहे हैं बस 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में हम लोग उनके घर पहुंच जाएंगे, और उनसे मिलने के लिए मैं स्पेशली ये स्वेटर पहन के आया हूँ। अक्षत मेरी ये स्वेटर, और ये स्वेटर मैं इसलिए पहन के आया हूँ क्योंकि ये स्वेटर H&M की है, और मैं कोई ब्रांड शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति H&M का इंडिया हेड रहा है, विदेशों में कई साल जॉब की है, हमारे देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पास आउट होने वाले लड़के जिस कॉरपोरेट जॉब का सपना देखते हैं वो व्यक्ति वो कॉरपोरेट जॉब में कई सालों तक रहा है। उस आदमी ने पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो रीढ़ मानी जाती है 108 सर्विस, जिसने लगभग अकेले दम पे बहुत हद तक पहाड़ के हेल्थ सिस्टम को संभाला, उस 108 सर्विस को उत्तराखंड में शुरू करने वाले व्यक्ति में से वो एक व्यक्ति है। वही व्यक्ति थे जो 2008 के करीब जब ये एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई तो यही व्यक्ति थे जो इस एम्बुलेंस सेवा के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे। इन्हीं के नेतृत्व में पहाड़ में 108 एम्बुलेंस सर्विस का एग्जीक्यूशन हुआ। उसके बाद यही वो आदमी थे जिन्होंने 2010 का जो महाकुंभ हुआ तो उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी इसी व्यक्ति की थी, और जब इस व्यक्ति ने 2010 का महाकुंभ जिसमें मिलियंस में लोग शामिल होते हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं, उस महाकुंभ को जब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया तो शायद उसको ख्याल आया कि चुनावी महाकुंभ में भी वो अपने मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। और उस ये वो दौर था जब अन्ना आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और उसके बाद आम आदमी पार्टी की एक भयानक लहर उठी थी, तो इस लहर में इस व्यक्ति ने भी अपना तमाम कॉरपोरेट की बेहद सक्सेसफुल लाइफ छोड़ी। अभी हमें यहां से सीधा जाना है। कॉरपोरेट लाइफ छोड़ी और इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन में इतनी बुरी पटकनी खाई कि थोड़े टाइम बाद ही आम आदमी पार्टी से तौबा कर ली। उसके बाद 2012 का चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लड़ा, सॉरी 2017 का चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लड़ा, वहां पे भी बहुत बुरी तरह से हारे, और उसके बाद पॉलिटिक्स से ही तौबा कर ली। लेकिन वो आदमी इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट कॉमर्स के लिए जो जाना जाता है SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ से पास आउट हुए, उसके बाद निफ्ट से उन्होंने PG डिप्लोमा किया, और उसके बाद एक बहुत सक्सेसफुल कॉरपोरेट करियर में रहने के बाद आज एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। भाई साहब अनूप नौटियाल जी, अगर कौन सा बगल वाला
देख के बचपन का वो झूला याद आ गया ना। सर आई थिंक इट्स लॉक्ड। हेलो सर, एकदम बढ़िया, आप कैसे? अभी अभी हम लोग जब कार से आ रहे थे, सॉरी तो मैं नहीं इट्स परफेक्टली फाइन। तो अभी हम लोग जब कार से आ रहे थे तो मैं हल्का सा आपका इंट्रोडक्शन जो है अपने अपने ऑडियंस के साथ में करवा रहा था। तो मुझे तो आपका पॉलिटिकल करियर ऐसे समझ आया दैट यू आर दी ओनली वन हु टॉक्स अबाउट लॉजिक, हु टॉक्स अबाउट लॉजिकल थिंग्स, हु टॉक्स ऑन फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा। और आप कभी आपने लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि हिंदू खतरे में है। तो चुनाव में आप कैसे कैसे ये उम्मीद कर रहे थे कि आप जीतेंगे? नहीं, चलिए देखिए, वो जिंदगी का एक दौर था और मेरी जो सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल जर्नी जो कि बड़ी ब्रीफ रही है, बड़ी संक्षिप्त रही है, बहुत सारे लोगों की तरह जब मेरा ख्याल 9-10 वर्ष पूर्व देश में अन्ना आंदोलन अपनी चरम पे था, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों लाखों सो कॉल्ड, हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे जो लोग जो नौकरी पेशा लोग थे, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी भर मैंने नौकरी करी है, तो अपनी नौकरी छोड़ करके वो उस स्पिरिट से उस मूवमेंट का हिस्सा बने, कि क्योंकि पॉलिटिक्स एक्चुअली जो है एक बड़ा पावरफुल टूल है। क्या वो एक बैड डिसीजन था? अब देखिए, कोई डिसीजन गुड, फ्रैंकली राहुल, कोई गुड डिसीजन बैड डिसीजन नहीं होता है भाई। कई बारी चीज़ें जो मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस पोजीशन पे आप थे, जिस कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप थे और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जिस पोजीशन पे आप थे, पीपल एस्पायर टू बी देयर। इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से निकल के लोग एस्पायर करते हैं दैट सम डे दे वुड अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो क्या ऐसा होता है कि जब आप एक चीज़ अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि यू शुड ट्राई सम न्यूअर फील्ड, या फिर ऐसा लगता है द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, वो वाली फीलिंग थी पॉलिटिक्स में आने के लिए, या वो जो अन्ना आंदोलन में बहुत सारे लोग दिल्ली से लेकर के और आम आदमी पार्टी की जो वेव थी उस वेव में बहे और उनको लगा कि कुछ चीज़ें बदलने जा रही हैं, तो उस बदलाव की आहट सुनते हुए आप आए थे? देखिए, मेरा तो बड़ा मे बी शायद जब मेरी मिड 40s में, अर्ली 40s में एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है जिसे हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, और मैं तब तक बहुत वर्ष विदेश में रह लिया था, तो थोड़ा बहुत अपनी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, थोड़ा उस किस्म का भी था, तो लेकिन कहीं ना कहीं एक कश्मकश थी कि जो थोड़ा बहुत काम किया है क्या उसको सोशल सेक्टर में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और प्रभु की बहुत बड़ी मेरे पे कृपा रही है कि मुझे उत्तराखंड में आकर 108 आपातकालीन जो जीवनदायिनी सेवा है उसके साथ जुड़ने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहाँ से एक किस्म से ये उत्तराखंड की जो जर्नी है, यात्रा है, वो स्टार्ट हुई। और मेरा असल में बड़ा ही सरल और बड़ा सिंपल मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन है कि जब मेरा पहली बार एक किस्म से जो मैंने जब पॉलिटिशियंस को देखा या मंत्रियों को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि असल में राजनीति में बहुत बड़ी ताकत है और राजनीति में बदलाव लाने की, सकारात्मक बदलाव लाने की बहुत बड़ी क्षमता है भाई। आप अपने निर्णय से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने काम से करोड़ों लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो उस चीज़ से मैं प्रेरित होकर के मैं गया। तो ठीक है, अब ये तो राजनीति। अभी आप क्या सोचते हैं, आप क्या अनूप नौटियाल वापस इलेक्शन लड़ेंगे कभी? देखिए, अगर हाथ में लिखा होगा तो, क्योंकि एक मैंने जो ज़िंदगी में चीज़ सीखी है वो ये है कि नेवर से नेवर, लेकिन आज तो 17 तारीख है, जितने दल हैं सबकी जो है लिस्ट विस्ट निकल चुकी हैं, तो मेरे को मतलब अब ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, कल क्या होगा, वो कोई नहीं जानता है। आम आदमी पार्टी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मेरा तो, मैं तो आम आदमी पार्टी इनफैक्ट मैंने छोड़ दी थी और मेरे साथियों ने मैंने उसको छोड़ा था, और हमारा जो अनुभव था आम आदमी पार्टी के साथ में बड़ा सिंपल था, क्योंकि उस समय उनका जो ओरिएंटेशन था वो उत्तराखंड के प्रति नहीं था, और ये तो बड़ी एक और नेचुरल, बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ है कि भाई हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, हम लोग उत्तराखंड के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा तो जो माइंड स्पेस है वो अपनी स्टेट को लेकर फोकस्ड है। तो जब उस राजनीतिक दल का उत्तराखंड को लेकर कोई अटैचमेंट नहीं था उस समय उनके जो भी निर्णय थे, तो चूंकि उस किस्म का एक हमारा मेल नहीं हुआ, और दूसरी बात जो उनका मैनेजमेंट था इस इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी ये कम से कम पोर्ट्रे तो कर रही है कि उसके लिए बहुत कंसर्निंग है या बहुत पोटेंशियल स्टेट है। मैं शायद उस दौर से मैं निकल पड़ा हूँ, तो मैं लेकिन बीइंग ए इनसाइडर
आज जो आम आदमी पार्टी की अप्रोच है उत्तराखंड को लेकर के, आपको लगता है कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, पहली बात तो नेचुरली हम सब जानते हैं पार्टी चुनाव लड़ रही है। अप्रोच से पहले मैं, जैसे अगर उनके संगठन की हम बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, तो ये तो देखिए एक हर कोई महसूस करता है, मैं भी महसूस करता हूँ कि जिस किस्म की एक भाई, अल्टीमेटली आप एक चेहरे पे दो चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको तो बाकायदा एक पूरा संगठन बनाना है। तो कहीं ना कहीं उस पैमाने पर, उस मैट्रिक पर आम आदमी पार्टी प्रदेश में वहाँ तक नहीं खरी उतर पाई जहाँ तक लोगों की अपेक्षा थी। उसके क्या कारण होंगे वो उनके इंटरनल मैटर्स हैं, लेकिन उस किस्म से आम आदमी पार्टी जो है ऊपर नहीं आ पाई। जहाँ तक मुद्दों की बात है, जो प्रदेश का इंटेलिजेंसिया है, आपके जैसे लोग, तमाम अन्य लोग हैं, कई लोगों का ये कहना और मानना है कि जो उत्तराखंड के वाकई में, जैसे हम ज्वलंत मुद्दे कहते हैं, जो उत्तराखंड के बड़े गंभीर मुद्दे हैं, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने जो है अपना फोकस ना रखते हुए, जैसे आपको पता है उनका फ्रीबीज की तरफ, अब आप उसको फ्रीबी कहे ना कहे, भाई 300 यूनिट लीटर ये है, हम 5,000 रुपया देंगे, भत्ता देंगे हम, 1,000 रुपया देंगे, तो उनकी जो अप्रोच है, अब देखिए ये राजनीति है। पर अनूप सर, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से, फ्रीबीज वाला कंसेप्ट तो तब भी था, आपने क्या रहते हुए इसको अपोज किया था? नहीं, उस समय तो था ही नहीं ना, क्योंकि उस समय तो उत्तराखंड में तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में था नहीं उस समय, क्योंकि हमारा एक्चुअली दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो बैंडविड्थ थी वो उत्तराखंड तक सीमित थी। ओवरऑल आप इसको दिल्ली में बिजली फ्री कर देने को, बसेस में लेडीज के लिए टिकट्स फ्री कर देने को, और उन तमाम चीजों को जिनको फ्रीबीज कहा जाता है, आप पर्सनली इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? मेरे को लगता है जो उनका 200 यूनिट का डिसीशन है, या जो वो कोई और उस तरीके का देते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन उसमें देखिए बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि वो एक, अब ठीक है भाई, एक वो आपके आपके एक्सचेकर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पॉपुलिज्म है, ये ऑफकोर्स सारी चीज़ें जो हैं उसकी एक सीमा है कि आप इन चीज़ों को किस सीमा तक कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के ओवरबोर्ड जाएंगे तो वो अल्टीमेटली आपका स्टेट, आपका रीजन या आपकी यूनियन टेरिटरी जो है वो ब्लीड करेगी। लेकिन एक हद तक या कुछ हद तक अगर आप अपने लोगों को इस किस्म की सहायता प्रदान करते हैं, या आप उसको सब्सिडी बोल लीजिए, आप उसको फ्री भी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो उसका मैं आई एम फाइन विद दैट। और मैं दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूँगा, सबको पता है हमारे प्रदेश में 70 सीटें आती हैं, लेकिन पर्वतीय जिलों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो सीट हैं, टिहरी में 6 सीट, पौड़ी जिले में 6 सीट और अल्मोड़ा जिले में 6 सीट, तो यहाँ पर 52-54% वोट पड़ा है। अब ये हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है, जो लोग उत्तराखंड के मुद्दों के साथ में सरोकार रखते हैं, कि ऐसा क्या कारण है कि हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में 72-73% वोट पड़ता है और उसकी तुलना में इन तीन पर्वतीय जिलों में 20% वोट कम पड़ता है। तो ये तो हो गई जिले की बात, और जब हम अपनी 70 सीटों का विश्लेषण करते हैं तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 4 ऐसी सीट्स हैं, अल्मोड़ा का सल्ट, टिहरी का घनसाली और उसके अलावा पौड़ी जिले का चौबट्टा खाल और लैंसडाउन, जहाँ पर 50% से कम वोट पड़ा है। तो ये जैसा हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लोकतंत्र की आवाज़ जो है वो कमज़ोर हो रही है, और ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है राहुल। इसी के साथ में जो आपने महिलाओं वाली बात बोली, जो आपकी मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, हम अगले 2-4-5-7-10 दिन में उस रिपोर्ट को भी निकालेंगे। और जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जब क्योंकि इन 9 पर्वतीय जिलों में 34 सीटें आती हैं, उन 34 सीटों में से 33 सीटों में महिलाओं ने पुरुषों से कहीं ज़्यादा वोट डाला है। और इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को भी एहसास करना पड़ेगा, देखिए दो चीज़ है, एक है मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, नहीं बिल्कुल ठीक, मेरे को बस सिर्फ ये लग रहा था कि जिस तरह की डेटा आप दे रहे हैं, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने माइन्यूटली आपने एक एक सीट का जिक्र किया है, एक एक पर्टिकुलर डेटा एक एक पैटर्न दिखाता है, जो जिस पैटर्न के बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन पॉपुलर कल्चर में जो डेटा चलता है वो डेटा वो है जो मेरे पास मेरी फैमिली पे व्हाट्सएप पे आता है, और जिस डेटा में ये बताया जाता है कि 2050 में सारे पहाड़ों में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, और जो वोट पूरी वेव को जो जिससे लहर बनती है, चुनावी हवा बनती है, माहौल बनता है, ये सारा जो डेटा पलायन आयोग का डेटा है, या जो डेटा तमाम स्टैटिस्टिकल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेटा है, उन सारे डेटा पे व्हाट्सएप का डेटा हावी हो जाता है। तो इस डिफरेंस को कभी आपको लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होने की वजह से इसको लोग जानबूझ के साधते हैं, और इस तरह की बातें जो हम अभी कर रहे हैं, डेटा की माइन्यूट डिटेलिंग वाली बातें, ये पॉपुलर कल्चर के लिए नहीं होती?
नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल बात सही है, और इस समय तो जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो इस समय शायद हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से भी कहीं आगे इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उस डिग्री की अहमियत है। तो ये तो देखिए, क्योंकि समाज है, जो कहते हैं शिवजी की बारात है, इसमें तो भाई हर सभी किस्म के लोग हैं, और हर किसी को कोई अपना नैरेटिव गढ़ता है, कोई अपना नैरेटिव गढ़ता है। तो जहाँ पर कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जो कि मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ अनूप सर, क्योंकि लोग आपके बारे में जब बात करते हैं तो उनको ये पता है कि अनूप नौटियाल इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उनको ये पता है कि उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं है, उनको ये पता है कि बेहद ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन जनता का नेता नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं कि हम जनता के नेता, हमारे तो दो बार जवानें जब्त हो चुकी है, तभी तो हम नेतागिरी छोड़ चुके हैं, है ना। अच्छा, फाइनली हम रैप अप करेंगे, लेकिन उससे पहले जितना माइन्यूटली आपने डेटा देखा है, जितना माइन्यूटली आपने हर तरह का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर रहते हुए भी, और अब बींग आउटसाइडर, मतलब क्योंकि आप डायरेक्टली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस बार हिस्सा नहीं है, तो आप उत्तराखंड के इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? 22 का जो चुनाव है, इस बारी इस किस्म की कहीं कोई लहर नहीं है, और जो खासकर बीजेपी ने जितने जो चेंजेस किए हैं, भाई उन्होंने, हम सबको पता ही है, तीन उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए, और इररिस्पेक्टिव बीजेपी भाई कुछ भी बोलती रहे, अभी उनके भाई इतने बड़े केंद्रीय मंत्री जी ने आकर के उत्तरकाशी में बोला कि ये हमारा इंटरनल डिसीशन है कि भाई हम चाहे 5 बदलें चाहे 10 बदलें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो उत्तराखंड का मिथक भी रहा है कि भाई एक सत्ता परिवर्तन होता है, उसके अलावा एक जो रिसर्जेंट कांग्रेस है, कांग्रेस अब की बार जो चुनाव 2017 की तुलना में एक जागरूक, मैं अपने आपको एक जागरूक नागरिक मानता हूँ, मेरा यही परिचय है, मैं उत्तराखंड का एक जागरूक नागरिक हूँ, और मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूँ कि 2022 का जो चुनाव, जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो 2017 की तुलना में एक कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ रही है। तो ये उस दृष्टिकोण से कांटे की टक्कर के साथ में आज 17 जनवरी की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का एक थोड़ा सा अपर हैंड दिखाई देता है। ये जो मैच है अब की बार, ये देखिए मैच बीजेपी कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी नहीं है, पहली बात तो हमने ये कर ली। बीजेपी 5M पर चुनाव लड़ेगी, और ये थोड़ा रोचक है। okay. अब आप कहेंगे यार बीजेपी के 5M क्या है? बीजेपी का पहला एम जो है, बीजेपी का उसका मैन पावर है, बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है, जैसा हम सब जानते हैं। बीजेपी का जो दूसरा बड़ा एम है, वो बीजेपी का मनी पावर है, बीजेपी आर्थिक तौर पर एक बड़ी संपन्न पार्टी है। बीजेपी का जो तीसरा जो बड़ा जो उसका उसकी जो ताकत है, बीजेपी की आप उसको मैनेजमेंट पावर भी कह सकते हैं, भाई किसी भी तरीके से वो जो है चीज़ों को वो मैनेज कर लेते हैं, उनका एक मैनेजमेंट पावर, उनकी एक मजबूती उनकी है भाई चीज़ों को संगठित करने की। एक और मैं चौथा एम मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो भी आ जाएगा, वो मसल पावर, भाई वो तो केंद्र में है, वो राज्य में है, तो वो सारे सामदाम दंड भेद सब कुछ संभव है। और पांचवा और सबसे बड़ा एम बीजेपी के लिए, अगर ये 4M भी फेल होते हैं, तो मोदी पावर। तो ये 5M बीजेपी के लिए उनके 5 बड़े एम हैं। बीजेपी इन 5 चीज़ों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। इसकी तुलना में जब कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव होगा, जो हमने 4-5 चीज़ें की बात करी, कांग्रेस पार्टी जो है बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पर कांग्रेस के 5, यहाँ पर बीजेपी के 5, ऐसे चुनाव होगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से आपने इनकार नहीं किया था कि कभी, अभी पता नहीं नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा, शायद वापस देखिए मैंने जैसा, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि वापसी आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो हो सकती है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आम आदमी पार्टी के थ्रू भी हो सकती है? अब देखिए राहुल, आज 17 जनवरी है, पता नहीं आपका कोई प्रोग्राम आज ही देख ले, कल ये सबके सब इधर ही आ जाएं टिकट लेकर के, वो एक अलग बात है। तो ये तो खैर चलिए एक यू नो इट्स मोर लाइक अ जोक, बट मैंने रैली में मेरी जो लाइफ का अपना अनुभव रहा है, मैंने कई जगह मैंने काम किया है, और अपनी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को उसको समाहित करते हुए मैं विनम्रता के साथ में, मैंने एक जो जीवन में बात सीखी है कि आपको सिर्फ राजनीति की बात ही नहीं, आपको किसी भी चीज़ के लिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मैं तो इस काम को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा। आपने एक बात जो अभी मजाक में ही कही कि अगर वो लोग टिकट लेके आ जाएं, अगर वो लोग सच में ये जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, ये शायद कैंट विधानसभा है, अगर कैंट विधानसभा में आम आदमी पार्टी आपको अप्रोच करती है अपने टिकट के साथ, आपका जवाब क्या होगा? देखिए मैं, आपने इतना मेरे को, आप मेरे को प्रोब कर रहे हैं, तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। अब तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आम आदमी पार्टी ने मेरे को अप्रोच किया था। ओके, आम आदमी पार्टी ठीक है, वो बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे से आकर के मिले थे, हम लोगों ने बैठ करके बात करी सब कुछ, और ये तो बड़ा देखिए बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी कॉमन चीज होती है चुनाव के दौर में, भाई 70 सीटें, आपकी आंखों में तो ग्लिंट आ गया, पहली बार आपके चेहरे में मैं एक बिल्कुल स्माइल देख रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को, उनका एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर था कि यार ठीक है आप आइए, तो मैंने
विनम्रता पूर्वक जो है मैंने हाथ जोड़कर मैंने उनको मना कर दिया, यही एक फैक्ट है। ओके, और क्या रीजन रहा, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से तो मना नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन फिर आपने ये मना क्योंकि, और अगर ये प्रपोजल आपको कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से आया होता तो देखिए तो सभी प्रपोजल पे विचार किया जाता है ना, तो आम आदमी पार्टी का भी प्रपोजल था, उस पर विचार किया, उसको जो है उसको मना कर दिया है ना। और मैं एक और, आपने मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है खुद को कि आप कभी कांग्रेस या कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे? मैंने देखिए एक बात बोली है आपसे, आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर, इससे कोई डिप्लोमेटिक की बात ही नहीं है। देखिए क्योंकि आई थिंक इट्स लिटिल बिट प्री मैच्योर टू से, मैं रिजिडिटी में बिलीव नहीं करता। बारामासा की टीम एक बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। मैं तो शुरू से, जब से आपने पहली शायद तस्वीर डाली थी, एक वो क्या कहते हैं वो मेरे को पता नहीं, उसका अंग्रेजी का नाम नहीं मालूम, कुछ सोफा किस्म का होता है, उसमें बैठ करके आप बैठे थे, तो ऐसा लगा पता नहीं आप कहीं मॉल्डीव्स, क्योंकि आजकल हर कोई मॉल्डीव्स ही जाता है, मुझे लगा आप कहीं मॉल्डीव्स वगैरह में बैठे हैं, वो तो बाद में मालूम पड़ा कि आप देहरादून के GMS रोड पर बैठे हुए हैं। तो चाहे वो आपका डेकोर है, चाहे वो आपकी टीम है, आप राहुल तो स्वयं आप हैं, मनमीत को भी मैं बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो मनमीत भी जो हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत संवेदनशील हैं, और जो आपकी यंग टीम है, मैं आपकी यंग टीम को एनकरेज करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के इस बिल्कुल वाइब्रेंट और रिच डिस्कोर्स में आपका एक जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बड़ा क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन होगा, वो बड़ा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगा। और इससे पहले हम लोगों ने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर के बात करी, उन सब हल्की चीज़ों को दरकिनार करते हुए कुछ गंभीर चीज़ों को लेकर के आप उत्तराखंड में लेकर के आएंगे, लोग आपके इस प्लेटफॉर्म को एम्ब्रेस करेंगे, आपके साथ में लोग हजारों लाखों की संख्या में जुड़ेंगे, और आज नहीं तो कल आने वाले समय में बारामासा और आपके जैसे, हम तो और ये चाहेंगे कि और आपके जैसे जो क्रिएटिव यंगस्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, तमाम ऐसे लोग जो हैं उसका एक काफिला इस उत्तराखंड प्रदेश में चले, और जो इस प्रदेश की जो असीम संभावनाएं हैं उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए बारामासा की टीम, आपके साथी जो हैं आगे बढ़े। मैं अपनी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको अपनी, थैंक यू सो मच।